कुनकुरी विधायक ब्यूडी मिंज का फिर से अपमान किया गया है। बताया जाता है कि आज सीएम भूपेश बघेल सरहुल के पूजा में शामिल होने आ रहे हैं। ऐसे में एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्हें ईसाई होने के कारण उस पूजा में भाग न लेने की मांग की है। इस मामले में भाजपा पर आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मसला? जोहार, मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर यहाँ की सियासत गर्म है। आज यहाँ जसपुर में मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री सरहुल पूजा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और इस पूजा से पहले और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में और ये कहा जा रहा है कि विधायक यूडी मिंज जो कुनकुरी विधायक हैं उनको वहाँ सरना पूजा में आने से रोका जाए क्योंकि वो हिंदू नहीं हैं। तो इस मसले पे हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से बात करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर मतलब इनका रिएक्शन क्या है, पार्टी इसको किस रूप में ले रही है, किस तरह का ये मामला है। तो हम चलते हैं मनोज सागर यादव से बात करते हैं, जानते हैं। मनोज सागर जी, आज सीएम आने वाले हैं और सरहुल पूजा में शामिल होने वाले हैं। सरहुल पूजा से आने से पहले रात से ही सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है, सरहुल सरना पूजा समिति के लोगों ने यूडी मिंज के प्रवेश पर वहाँ पर विरोध जताया है। तो आपका रिएक्शन क्या है इसमें कांग्रेस पार्टी? देखिए, आप के समाचार के माध्यम से ही हमको जानकारी मिला है और वो पत्र को देखने के बाद नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति जिसमें बुद्धि हो ऐसे व्यक्ति उसको जारी किया हो। पूरा चिट्ठी जो है फर्जी दिखता है और ये किसी न किसी असामाजिक विचारधारा से प्रेरित लोगों का काम है। ये पिछले साल भी ऐसी चिट्ठियां वायरल हुई थी। पिछले बार सरहुल में माननीय प्रभारी मंत्री उमेश पटेल जी का आगमन हुआ था, उस समय भी ऐसा हुआ था। तो ये कोई राजनीति नहीं है, राजनीति में एक दूसरे का सम्मान होता है। ये ओछी हरकत है, जिन लोगों ने भी की है उन्हें ना हिंदुत्व का परिभाषा पता है ना सनातन का परिभाषा पता है। ये ओछी मानसिकता का परिचय दिया है जिन्होंने भी ऐसा किया। पॉलिटिकल चश्मे से देखने से कैसा लगता है, मतलब क्या पॉलिटिकल लगता है आपको? नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है, मतलब ये बदमाशी, ये हरकत है, ये हरकत है 100%। ये ओछी मानसिकता का ओछा हरकत है और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो मैं समझता हूँ थोड़ा उनको अध्यात्म के बारे में अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो बीजेपी है जब भी विधायक यूडी मिंज का नाम आता है तो एक्टिव हो जाती है, क्या मतलब क्यों ऐसा? देखिए, इन्होंने 35 साल तक इनके जनप्रतिनिधि विधायक सांसद रहे, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी इनकी, कोई विकास काम नहीं किए, कुछ भी काम किए नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे से लड़ा करके, जाति जाति में लड़ा करके, धर्म दो धर्मों में लड़ा करके, भाई भाई को लड़ा करके, ये आपस में फूट डालो और राजनीति करो का जो सिद्धांत इनका था उसके कारण ये काफ़ी लंबे समय तक। फिर जीतते कैसे रहे 15 साल तक अगर कुछ नहीं किया इन्होंने? बस आपस में लड़वा करके, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच में खाई पैदा करके और सिर्फ धर्म का जो ढोंग रचा उसके कारण लोग भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब विकास की गाड़ी 2018 से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और यूडी मिंज जी कुनकुरी से विधायक बने, माननीय विनय भगत जी जसपुर से बने और माननीय रामपुकार सिंह जी बाबू जी लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं जिसके कारण लोगों में अब जागरूकता आई है, राजनीति के प्रति रुचि आई है और तब से लोगों में भाजपा के प्रति नफरत सा हो गया है और कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए कुछ भाजपाई जो कर्महीन भाजपाई हैं उनका दिमाग जो है तिलमिलाया हुआ है। तो एक मतलब ये एक और ख़ास बात ये है कि ये जब जो पर्चा कांड जो आज हुआ है, जो लेटर सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, ये किसकी साजिश हो सकती है? ये साजिश क्या कहेंगे, वो हरकत है तो हरकत है। तो ये थे हमारे साथ मनोज सागर यादव, जिनका साफ कहना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हरकत है और ये ऐसी हरकत कोई सामाजिक तत्व नहीं कर सकता, असामाजिक तत्व भी कर सकता है। और उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला भी बोला है कि ये इस तरह
कि बेमनस्ता लोगों को लड़वा कर ये पॉलिटिक्स करते हैं। तो बहरहाल थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीएम भी आने वाले हैं, देखना है इस मामले में आगे और क्या रणनीति होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। देखिए पांडे जी, ये तो मैं ये कहूँगा कि विगत 35 सालों में पहली बार कुनकुरी को एक एक्टिव विधायक मिला है और इन साढ़े चार सालों में विधायक यूडी मिंज ने इतना काम किया है सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लिए कि इनकी लोकप्रियता से ये लोग घबरा गए। इनको ये नज़र आ रहा है कि यूडी मिंज ही एक ऐसा नेता यहाँ उभरा है वर्षों बाद। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ये लेटर जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है भाजपा करवा रही? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की नफरत भरी चीज़ों को वही इस्तेमाल करते हैं, समाज में जहर घोलना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना। वो पूजा स्थल थोड़ी है, हमारी उम्र 56 हो रही है, हम बचपन से वहाँ आते जाते रहे हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग। क्या भाजपा में आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है क्या? सभी वहाँ जाते हैं, सभी पूजा करते हैं, ये परम्परा रही ही नहीं है। वह पूजा ही क्या जहाँ जिस किसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए? तो ये नफरती तत्वों का क्रियाकलाप है। और मैंने देखा उस लेटर में कोई वैसा किसी का नाम भी नहीं लिखा है, कुछ दस्तखत है, अब पता नहीं किसका दस्तखत है, क्या है और वो अधिकृत है नहीं है, उसकी क्या अधिकार क्षेत्र है, ऐसा करने के पीछे क्या हो सकता है, मतलब क्या मंशा हो सकती है? नफरत फैलाना सामाजिकता में, यहाँ जो जसपुर ज़िला की शांति है उसकी फिजा में नफरत घोलना, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के नागरिक हैं और यहाँ सभी को अपने अपने पूजा पद्धति का सम्मान करना है और सब कोई एक दूसरे की पूजा की पद्धति का सम्मान करता है, किसी को आने जाने से कहीं किसी को नहीं रोका जा सकता है। तो देखिए, ऐसे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदर्श शंकर त्रिपाठी, जिनका साफ कहना है कि यह षड्यंत्र भाजपा का हो सकता है, क्योंकि